गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का और टॉपिक है विकास। अर्थशास्त्र की परिभाषा पहले जान लें। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो आर्थिक गतिविधियां कही जाती है। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास से तात्पर्य है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास से क्या अर्थ है? आदमी के व्यक्तिगत जीवन में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और उसके जीवन स्तर में सुधार हो, गुणवत्ता बढ़े, तो वो आर्थिक विकास कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर साधारण व्यक्ति है, अगर उसको दो वक्त की रोटी मिले तो उसके लिए यही सुधार है। अगर कोई एक मध्यम वर्गीय परिवार है, उसके बच्चे विदेश में पढ़े, उसके लिए यही एक आर्थिक विकास है। अगर कोई व्यक्ति अगर जो है बैग रखता है, अगर वो कार खरीदने की क्षमता उत्पन्न कर लेता है, तो इसलिए यही आर्थिक विकास है। हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में जान लें। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक से समझ लें, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल राष्ट्रीय आय कहलाता है। आय के लक्ष्य, आय का मुख्य लक्ष्य है बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा। प्रति व्यक्ति आय, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, इसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI, बॉडी मास इंडेक्स, किसी व्यक्ति का भार किलोग्राम में लीजिए और उसकी लंबाई मीटर में लीजिए, फिर भार को लंबाई के वर्ग से भाग दीजिए। अगर यह संख्या 18.5 से कम है तो उस व्यक्ति को अल्प पोषित कहा जाएगा, लेकिन अगर यह 25 से अधिक हो तो वह व्यक्ति अति भारित है। ओके।